नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोड स्टूडियो में। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि लूप का यूज़ करके रेक्टेंगल को कैसे मूव कराएं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेक्टेंगल फंक्शन का यूज़ करके रेक्टेंगल को कैसे प्रिंट करें, और आज हम देखेंगे कि रेक्टेंगल को मूव कैसे करें। तो हमने एक रेक्टेंगल पहले से ड्रॉ कर लिया है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने रेक्टेंगल फंक्शन पहले से लिख लिया है और इसमें कुछ वैल्यू भी दे दी है। अब मैं पहले आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ कि रेक्टेंगल कैसा दिखेगा। ये देखिए, रेक्टेंगल थोड़ा लंबा दिख रहा है। हम लोग इसे टॉप से छोटा कर लेते हैं और फिर इसमें लूप की सहायता से इसे मूव कराते हैं। तो पहले इसके 100 कर लें। अब इसमें एक फॉर लूप लगाते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमें अपने रेक्टेंगल को किस ओर मूव कराना है, कि हमें राइट से लेफ़्ट ले जाना है या लेफ़्ट से राइट ले आना है, या टॉप पे ले जाना है या बॉटम पे लाना है। तो हमें देखना पड़ेगा, पहले अगर हमको लेफ़्ट से राइट की ओर ले जाना है अपने रेक्टेंगल को, तो हमें इसके लेफ़्ट और राइट की वैल्यू में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें प्लस आई लगाते हैं, ये इसकी लेफ़्ट की वैल्यू है और ये इसकी राइट की। हम डिले फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू हम देते हैं 30 और क्लियर डिवाइस। अब हम इसे रन कर कर देखते हैं कि क्या हमारा रेक्टेंगल लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेक्टेंगल लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है। तो ये प्रोग्राम सही है, हमारा रेक्टेंगल लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कर रहा था, तो उसके लेफ़्ट और राइट की वैल्यू में चेंजेस की। अगर हमें टॉप से बॉटम की ओर करना है, तो इसके टॉप और बॉटम की वैल्यूज़ में चेंजेस करेंगे। अब हम इसे रन करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारा रेक्टेंगल टॉप से बॉटम की ओर जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगल टॉप से बॉटम की ओर जा रहा है। अब अगर हमें बॉटम से टॉप की ओर ले जाना है, तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हमें टॉप से बॉटम की ओर लाना था, तो हमने प्लस आई किया कि टॉप और बॉटम दोनों की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहे थे, तो रेक्टेंगल धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन इसी जगह अगर हम उसके वैल्यू को धीरे धीरे कम करते जाएँ, तो रेक्टेंगल बॉटम से टॉप की ओर चला जाएगा। तो हम यहाँ प्लस आई की जगह माइनस आई लिखते हैं। अब रन करने पे आप देखिएगा कि हमारा रेक्टेंगल बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगल बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है।